तो हम आपको बताना चाहेंगे आज के स्पीकर्स सुनीता और प्रियंवर के बारे में। तो बहुत ही एक्साइटेड हैं आपके सामने प्रियंवर जी एंड सुनीता जी को लाने के लिए। एंड मैं सुनीता जी के बारे में बताना चाहूँगी, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त रही हैं, हमें उनको पर्सनली जानने का मौका मिला है। और वो हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके 3 बच्चे हैं प्रियंवर्धन सुनीता के, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और बहुत ही होनहार और बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। और सुनीता जी ने शुरू से day 1 से प्रियंवर जी के साथ में कंधे से कंधा मिला के ये बिजनेस बिल्ड किया है, छोटे बच्चों से लेके बड़े होने तक, और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में निभाते हुए ये बिजनेस बिल्ड किया है। और वो हमें आज बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगी जो हम लेडीज इम्बाइब कर सकती हैं अपनी जर्नी में, और अपनी जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल और अच्छा बना सकती हैं। और प्रियंवर जी जो कि एक इंजीनियर हैं लेकिन बिहार गवर्नमेंट में एक सीनियर ब्यूरोक्रेट की तरह काम कर चुके हैं, लेकिन मैं जितने भी लीडर्स को जानता हूँ उनमें से top 5 में मैं प्रियंवर जी को रखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो आपको हिला देंगे, ना सिर्फ उनके बात करने का तरीका, ना सिर्फ उनके सोचने की शक्ति, बट द अमाउंट ऑफ लव एंड इन्फ्लुएंस जो उनसे फ्लो करेगा आज आपकी तरफ, आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, है ना। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, ही इज अ वेरी पावरफुल स्पीकर, और जो इंसान चीजों को अच्छी तरीके से समझता है वही उनको अच्छी तरीके से समझाता है। तो हम और टाइम ना लेके इन्वाइट करना चाहेंगे आज के हमारे लीडर्स प्रियंवर्धन और सुनीता कुमार। जय हो जग में चले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी फंसे हमारा नमन तेज को बल को। आज इस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से आए हजारों लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कुछ अलग अलग पेशे के होंगे, कुछ युवा होंगे, कुछ महिलाएं होंगी जो घर में भी रह रही होंगी किंतु अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ करना चाहती होंगी, कुछ पहले से ही सफल होंगे किंतु अपनी जिंदगी को खुशहाल करना चाहते हो, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन आज आप यहां इसलिए हैं क्योंकि आपके अंदर में अनल है, आग है, और इसीलिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आज के इस पूरे मेरी कहानी को, रैली को सुनने के लिए और उससे प्रेरित होने के लिए। मेरा नाम प्रियंवर्धन है, सुनीता मेरी पत्नी, हमारे 3 बच्चे, और हम मूलतः बेगूसराय जिले बिहार के रहने वाले हैं, अद्यतन अभी पटना में खुशहाली से रहते हैं। आज हम आपको अपनी कथा, अपनी जुबानी इसलिए सुनाना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर का अनल भी निकलकर आपके अंदर के उस कारण को पकड़ ले, उसमें आग लगा दे और फिर सफलता की उसी मंजिल तक पहुंचाए जहां तक आप जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं भी 80 के दशक का एक युवा था, जोश और ऊर्जा से भरा था। मूलतः शिक्षा दीक्षा लेकर +2 में जब आया था तो सोचता था कि समाज के उसी मापदंड पर वो सब कर डालूंगा जिसे सफलता की कसौटी कहते हैं। वो गाना है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा इंजीनियर का काम करेगा। तो वो जो पैरामीटर्स था वो हमारे लिए वैसे ही सटीक था और हमने भी +2 के बाद इंजीनियरिंग की। फिर जोश, ऊर्जा और आगे बढ़ने की ललक ने सिविल सर्विसेज को भी कराई और एक अदद अच्छी नौकरी पा अपने आप को संतुष्ट सा घोषित करने लगा, लेकिन शायद नहीं था। सब कुछ टुकड़े में थे, आधे अधूरे थे। अपनी जिंदगी को सर्वश्रेष्ठ अनकंडीशनल करना चाहता था और वो सब पाना चाहता था जिसकी ललक थी, किंतु मिलता नहीं दिख रहा था। जीवन यापन अच्छे से हो रहा था किंतु जीवन शैली नहीं थी, और खुशियां थी आसपास किंतु खुशियों की थैली नहीं थी। लेकिन उपाय कुछ और दिख नहीं रहा। एक अच्छा अधिकारी बनने के बाद भी अंदर में वो उद्यमिता का कीड़ा रेंग रहा था और चाह रहा था खुले आकाश में अपने पंख को फैलाए और दूर तक उड़ जाए, लेकिन संभव कहां था। और फिर जीवन बीतता जा रहा था और तब धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि जब आधा जीवन बीत गया बनवासी सा गाते रोते, तब जाकर पता चला इस दुनिया में सोने के हिरन नहीं होते, सोने के हिरन नहीं होते। दोस्त, 2-4-5 साल बाद स्थिरता और जड़ता भी आ जाती है
और मन तो छोड़िए शरीर के अंग भी कहने लगते हैं यार तुमसे नहीं होगा, या कुछ करना है तो कर डालो। वो किसी ने कहा है ना कि एक दिन हमारी आंखों ने भी थक कर जवाब दे दिया कि ख्वाब देखते हो तो पूरा कर लिया करो, रोज रोज हमसे भी रोया नहीं जाता। यही स्थिति कमोबेश हमारी हो गई थी, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। एक दिन हमारे मित्र की बहन ने इस शानदार एमवे बिजनेस को दिखलाया, इस सरल किंतु विराट बिजनेस को एक बार में ठीक से समझ नहीं पाया, इसे अंडरएस्टिमेट किया, लगा जैसे कोई उन लोगों के लिए है जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा के माध्यम से नहीं कर पाए, और मैं सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी को पाने की तलाश में हमेशा रहता। लेकिन एक बड़े फंक्शन में, सेमिनार में गया, और वहां के परिवेश, उत्साह और उसकी संस्कृति को देखकर मैं भी बदल गया। एक बड़ा यू टर्न मेरी जिंदगी में आया, और तब मैंने भी निर्णय लिया कि बचे समय का इस्तेमाल करने की शुरुआत करता, और फिर धीरे धीरे इसमें लग गया। यहाँ की संगत, सोच, शानदार प्रोडक्ट्स, उसकी गुणवत्ता, संतुष्टि और समुदाय के साथ सहभागिता, इस सब ने मुझे तेज कर दिया। और फिर दोस्त मैं पीछे पलट कर नहीं देखा। काम करते ही संघर्ष, काम करते ही वो सब चुनौतियां जो सबको आती थी मुझे भी आई, और वह स्वाभाविक था, वो तो आना ही था। किंतु एक यात्रा, एक श्रृंखला थी जिसमें संघर्ष था, परिश्रम था, पराजय थी, छोटी छोटी सफलताएं थी, फिर परिश्रम था, संघर्ष था, फिर विजय था, और ये फेजेज में चलता गया। संघर्ष अपने आप को बदलने का था, समाज के सामने सही तरीके से प्रश्नों का उत्तर देने का था, अपने आप को ट्रेन करने का था, अतीत के उन चीजों से जो रोक रहे थे उनसे निकलने का था, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने का था, अनुशासित होने का था, ताकि 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे बचा समय लचीलेपन के साथ निकाल सके, और यही नहीं, धीरे धीरे आने वाली सफलता को लेकर आगे बढ़ने की ललक को बनाए रखने का था। लेकिन दोस्त, जब आदमी दृढ़ निश्चय लेता है तो दुविधा की बेड़ियां भी कट जाती हैं, सफलता का रास्ता भी सुगम होता है, और फिर रोकता उसे कोई नहीं है, वो थकता भी नहीं है, वो डुबकियां लगाता है, कभी उसके हाथ में सफलता आती है, कभी नहीं आती है, लेकिन उसका प्रयास लगातार बना रहता है। पर दोस्त, वो चलता रहा, हम धीरे धीरे सफल होते चले गए, और यहाँ पर पिन दर पिन बदलते भी चले गए। और एक दिन ऐसा आया जब पूरे बिहार में सबने हमारी तरफ आंख उठाकर देखना शुरू किया, हम यहाँ से पहले डायमंड भी हो गए, आनंद की झड़ी लग गई, बड़ा मजा आने लगा। लेकिन फिर उससे आगे बढ़ने की ललक, इसको संभालने की ललक, बचे समय को पूरे समय में बनाने की बात, ये सब होने लगा, बुनियाद को मजबूत करने की बात। पर तो फिर डायमंडशिप से फाउंडर डायमंडशिप, वहां से एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप, फाउंडर से एग्जीक्यूटिव डायमंडशिप, सबकी यात्रा चलती चली गई। इस क्रम में अपनी लीडरशिप को, अपने इंपावरमेंट प्रोग्राम को सबको बढ़ाना पड़ा। यही नहीं, लोगों को सर्वश्रेष्ठ बनाना, उनके नीचे लीडरशिप निकालना भी बताया। कस्टमर्स के नेटवर्क को भी काफी हम बढ़ाते चले गए, और टीम में उत्साह बढ़ाते चले गए। और अंत में एक दिन ऐसा आया जब सेवा, सहभागिता, सहयोग और उनका सर्वश्रेष्ठ निकालने का समय आया। और जब हम लोगों ने ये किया तो फिर विश्वास मानिए, हम लरसते हुए इस बिजनेस में डबल डायमंड हुए। इट वॉज ऑसम अचीवमेंट्स, लगा जैसे पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई हो और सब कुछ नया हो गया। दोस्त, इस बिजनेस के चुनौतियों से आगे बढ़ना और सफल होना हमारे लिए संभव नहीं था। जो लोग भी यहाँ निरंतर काम में लगे हुए थे और अपने बदलाव को स्वीकार कर रहे थे, वो सब आगे जा रहे थे। इस पूरी उपलब्धि के क्रम में हम बहुत कुछ पाए, लेकिन साथ देने के लिए और इन सफलताओं को आगे बढ़कर निभाने के लिए जिस एक ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, वो मेरी पत्नी सुनीता थी। आइए उसकी जुबानी भी सुनते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, और आप लोगों का सबको इस गुरुकुल स्टेज पे बहुत बहुत स्वागत है, और नए लोगों का स्पेशली बहुत स्वागत है। और मैं सुनीता प्रेमवद इस बिजनेस को पिछले 23 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं इस बिजनेस के। मैं भी थोड़ा अपने बारे में बात करूंगी। मेरा नाम सुनीता है और मैं भी बेसिकली बिहार से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे फादर कॉलेज में प्रोफेसर थे और मेरी माँ हाउसवाइफ थी। हम 4 भाई बहन थे
और बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ाई लिखाई की और पढ़ लिख के ग्रेजुएशन भी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। जब हम इंटर के बाद ग्रेजुएशन में आए तो प्रेमा जी से मेरी शादी हो गई और हम बहुत खुश थे। प्रेमा जी बहुत बड़े ऑफिसर भी थे और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा था कि मुझे जहाँ जाना था, जितना पाना था मैंने पा लिया, बट प्रेमवत के साथ रहते रहते इनको बहुत कुछ करने की तब भी इच्छा रहती थी, हमेशा कुछ खोज में रहते थे। तो इनके साथ रहते रहते मुझे भी लगा कि नहीं, यहीं तक मेरी प्रेमवत को पाने तक ही मेरी जिंदगी नहीं है, इनके साथ साथ कुछ काम करने का भी मेरा जिंदगी हो सकता है। और हम फिर लग गए और इसी बीच में ये बिजनेस को लेके आए। हमने बिजनेस को देखा भी नहीं था बट इनके एक्साइटमेंट को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने बिजनेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे लग गए। उस समय एक 1.5 साल की बेटी थी मेरी और वो 9 साल के बाद हुई थी, तो बहुत उसमें हम लोग लग के उसको पाल पोस रहे थे। तो लाइफ लगता है बहुत ही स्मूथ था बट उसके साथ हमने इस बिजनेस को भी एक्सेप्ट किया। बहुत चेंज करना पड़ा क्योंकि रूटीन थोड़ा सा उथल पुथल तो शुरुआत में होता है, बट मुझे बहुत आनंद आता था नए लोगों से मिलना, नए लोगों को जाना, उनका लिस्ट बनाना। वो घर आते थे और इस तरह हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। इसके प्रोडक्ट्स उस समय तो कम थे बट बहुत अच्छा लगता था यूज करना भी। और हम जितने भी फ्रेंड्स के पास, जितने भी लिस्ट के पास जाते थे, जो मुझे पसंद करते थे वो इस बिजनेस को भी धीरे धीरे पसंद करने लगे। बताने पे उनकी भी इच्छा होती थी कि इसको जाने, और प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही, प्रोडक्ट्स भी उनको जब हम फील कराते थे तो अच्छा लगता था। इस तरह से मेरा कारोबार बढ़ गया और इसी बीच में हम सीरियस हुए और बहुत जल्दी हम लोग सिल्वर भी गए और मेरे पास पैसा भी आया। तो हम करियर के लिए भी इसको सोचने लगे, इसको अपना करियर भी बना सकते हैं। एक हाउस वाइफ पढ़ लिख के थे और खुश थे बट इसको लगा कि इसको अगर हम बिल्ड करते हैं तो खुशी शायद दुगनी हो जाएगी। और हमने फिर सीखा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए, लोगों को बिल्ड करने के लिए, और बहुत बहुत आनंद आया। आज की डेट में हम बताएं तो कुछ खोया भी नहीं और कुछ भी गलत अनुभव नहीं है इस बिजनेस को बिल्ड करने के क्रम में। हमको लग रहा था सब चीज जो जो कमी थी मेरे लाइफ में सब धीरे धीरे आ रहा है। और इसी बीच में 2 बच्चे और हुए मेरे, सबके साथ हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। बहुत बड़ा ग्रुप हो गया, लेडीज लोग बहुत पसंद करती थी, बहुत उनका मीटिंग करते थे, उनके साथ घूमते थे, मीटिंग सेमिनार में जाते थे, एमए ऑफिस जाते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। लगता था फिर से कॉलेज लाइफ लौट आया है। और इसी तरह से कारोबार बढ़ता गया, पिन दर पिन बदलते गए, हमने गलतियां भी की, सीखे भी, आगे भी बढ़े और आज हम इस लेवल पे हैं कि लोगों को हम इंस्पायर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी कमी होगा, भले ही आप एक अच्छे इंसान बनने में कुछ चूक हो गई होगी, आप ग्रूम नहीं कर पाए होंगे, आपको पैसे की कमी होगी, आपको दोस्त की कमी होगी, सबके लिए यह बिजनेस है। और ये सब एक बिजनेस से सब पूरा होता है, बस बसरते कि इसमें आप एंटर कीजिए और इसको धीरे धीरे सीखिए समझिए, जो लेके आते हैं तो आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात कही। अगर मैं उपलब्धि के बारे में बात करूं तो दोस्त सबसे बड़ी बात, मुझ जैसे अधिकारी को इस बिजनेस ने उद्यमी बना दिया, एंटरप्रेन्योर बना दिया, एंटरप्राइजिंग बना दिया, एक नई सोच, ग्रोथ माइंडसेट, जहां पर सच्चे श्यामला धरती हो और उसमें जहां तक आगे बढ़ना चाहे। दोस्त ऐसा नहीं है कि सबके अंदर में प्रतिभा नहीं होती है, साहस भी होता है, लेकिन इन सबका संयोजन तभी संभव होता है जब एक सुंदर इको सिस्टम वातावरण मिला। एमवी और गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म ने हमें वो दिया और उद्यमिता हमारे अंदर ला दिया। बैंकर और पूरर है, वो कहते हैं माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप तो हर आदमी के अंदर में छिपी हुई है, बस उसको निकालने की जरूरत है। और सच यही है दोस्त, आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से अपने आकाश को कितना आगे देख सकता हूँ, दूसरे क्षेत्रों में भी विस्तार से देख सकता हूँ, ये सब यही के अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति और ग्रोथ माइंडसेट से आया। स्वास्थ्य, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट्स यूं तो पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन एंड ब्यूटी केयर के हैं, पर न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के जो प्रोडक्ट है वो स्वास्थ्य को कितना अच्छा कर सकते हैं। दोस्त, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस पर सिर्फ निबंध लिखने की जरूरत नहीं है बल्कि समझने की जरूरत है। डाइट क्या होता है, आदमी को एक्सरसाइज क्यों अच्छे से करना चाहिए, ऑप्टिमल हेल्थ किसको कहते हैं, फूड सप्लीमेंट कैसे जिंदगी को बदल देता है, आपका स्वास्थ्य, आपके शरीर के अंग आपके सर्वश्रेष्ठ दोस्त होते हैं, यही आकर समझ में बात आए। और आज खुद ही नहीं, अपनी टीम, अपने संगठन और अपने मित्रों, अपने ग्राहकों, सबके स्वास्थ्य को बदलने में एक अमूल्य क्रांति ला रहे हैं। एंड दैट इज द बेस्ट अचीवमेंट विच आई कैन सी टू यू।
व्यक्तित्व तो बदल गया दोस्त, चरित्र के अलग अलग गुण सब एक साथ नैसर्गिक रूप से आ गए, चीजें बदलने लगे और ये इतनी अच्छी बात है। 10 वर्ष पहले का प्रेमवध और आज का प्रेमवध, उसमें फर्क आ गया और ये सब यहाँ आने से हुआ दोस्त। यही नहीं, अभी सुनीता ने सही कहा, कई मित्र, कई दोस्त, साथ में रहने वाले सबकी एक कतार सी लग गई और इस सब ने हमारे जीवन में बदलाव किया। आर्थिक स्तर पर भी बहुत बड़ा बदलाव आया। हम इस बिजनेस में फुल टाइम में इसी कारण से आ सके क्योंकि हमने यहाँ के पोटेंशियल को देखा, लेजिटिमेट तरीके से, विधिक, नैतिक और कानूनी तरीके से कैसे आप इस बिजनेस के टर्नओवर को, वॉल्यूम को बड़ा कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं और आप बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, कोर प्लस से अलग से बड़ा कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं, ये सब यहाँ देखा और इसीलिए हम दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करते चले गए। घूमने की बात कहूं तो इस बिजनेस के सेमिनार्स और स्पेशली लीडरशिप सेमिनार्स ने हमें इतने जगहों पर घुमाए हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। 2002 के स्टार क्रूज से 2022 के कॉर्डेलिया क्रूज के बीच में न जाने कितना शहर, कितना देश दुनिया देखा। जोन बदलते रहे, महादेश बदलता रहा, देश बदलते रहे, शहरों की कतार लग गई, भीड़, बाजार, मॉल, सब कुछ साथ यहां से देखते गए। अभी पिछले 3 वर्षों में अगर मैं बोलूं तो इस्तांबुल, अंतालिया, अबुधाबी और वहां साथ में गायक सोनू निगम, शानू और नेहा कक्कड़, जरा सोचिए क्या नजारा होगा और सब कुछ कैसे हमारा होगा। सर्वश्रेष्ठ 1,000-1,500 फीट के ऊपर से बचना है, हसीनो गीत पर हीरोइक तरीके से स्टेज पर आना कहां संभव था दोस्त, यही संभव था। ये सच है कि आप जब मेहनत करते हैं और सही दिशा में होते हैं तो फिर ये आपके लिए सिंपल सी बात हो जाती है। दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से हमने अपने अंदर में मानवीयता को भी बहुत बढ़ाया, लोगों को बढ़ाकर, लोगों को आगे ले जाकर, अपने राज्य और राष्ट्र के बारे में सोचकर हम धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों से, तिनके तिनके से भी हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते चले गए हैं और ये कम बड़ी बात नहीं है। रोजगार ले लेना अच्छी बात है किंतु स्वरोजगार सृजित करना यह सर्वश्रेष्ठ बात है, राष्ट्रभक्ति की बात है और हम उसी राह पर चल पड़े और हजारों लोगों को लेकर चल रहे हैं। दोस्त, अंत में मैं आपसे बात करते हुए कुछ संदेश देना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये कहना चाहता हूं, आगे बढ़ना किसी क्षेत्र में बहुत अच्छा है। आप सफल होते हैं, आप मूल्यों और सिद्धांतों के साथ काम करते हैं, यह सर्वश्रेष्ठ चीज है। लेकिन अगर एक ऐसी दिशा में आप सफल हो जो प्रासंगिक भी हो, भविष्योन्मुखी भी हो, जो लोगों को भी आगे लेकर चले, जो आपके स्वास्थ्य की भी रखवाली करे, जो आपको स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर भी ले चले, तो शायद उस अवसर में एक साथ सब कुछ है। सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं, समावेशी मॉडल जिसको कहते हैं, आप उसको लेकर चल सकते हैं। ये बिजनेस भविष्योन्मुखी है, ई कॉमर्स से भी जुड़ा हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म इसके साथ चल रहा है, लोगों की भलाई करके ही आपकी भलाई होनी है, यानी विन विन सिचुएशन के साथ चलना है, हुआ भी है। हेल्थ एंड वेलनेस इसका प्राइमरी फैक्टर है, जहां आप लोगों के स्वास्थ्य का कल्याण करते हुए आगे बढ़ते हैं सामुदायिकता के साथ, वह भी यहां पर है। और इन सब चीजों के अलावा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी हो रही है, उसका सबसे बड़े फॉर्मेट के रूप में, तो अगर ये सारी चीजें एक साथ हो तो क्यों नहीं इसी अवसर के माध्यम से हम आगे बढ़े, चाहे बचे समय का इस्तेमाल करके या जब मजबूत व्यवसाय हो तो पूरे बड़े समय का इस्तेमाल करें। दोस्त, आशा, उत्साह और ऊर्जा की नहीं जरूरत है बल्कि सही दिशा में चलने की जरूरत है। मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा बदलाव और निरंतरता की जरूरत है। और दूसरा संदेश, टिकना ही जीतना होता है। जो आदमी आते हैं और लगातार रहते हैं वही अंततः जीतते हैं। गिव अप यहां का फॉर्मूला नहीं है, यहां का फॉर्मूला है कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी। किसी ने कहा है ना कि हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पैर पर चलोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, राह पे चलते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, मैं प्रेम मधुर सुनीता।